खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन टेक्सटाइल एसके इंफोकॉम। सीधे बैठते हैं खबरों की ओर। रेल पुलिस की लापरवाही का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि आसनसोल रेलवे प्लेटफॉर्म में बीते 3 दिनों से एक व्यक्ति की देह पड़ी थी और रेल पुलिस चैन की नींद सो रही थी। गुरुवार जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो आरपीएफ तत्परता दिखाते हुए देह का उद्धार किया। डेली पैसेंजरों का आरोप है कि बीते 3 दिनों से उक्त व्यक्ति की लाश यहां पड़ी हुई थी। फिलहाल व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। तो डेली पैसेंजर है, समझे ना, रोजाना आना जाना करते हैं। तो 2-3 दिन से डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। ना यहाँ पर आरपीएफ का पता है, ना जीआरपीएफ का पता है। किस तरह से उनको लापरवाही है, उठाने के लिए नहीं आए? नहीं, कोई भी यहाँ पर ना आरपीएफ ना जीआरपीएफ कोई भी बंदा यहाँ पर आएगा। 3 दिन से पड़ा हुआ है तो 3 दिन से कोई उठाने नहीं आ रहा है? नहीं, कोई खबर देगा तो वही लोग उठाएंगे, खबर कोई नहीं दिया। तो कहाँ का ये कोई मालूम चल रहा है? नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये धीरे टहल में करता है, ऐसे आके यहाँ पर गिर गया। तो 3 दिन से पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत दिन से गंद हुआ है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कृपया करके मुझे आके ले जाए। तो कोई आते पे भी नहीं आया यहाँ पे? तो पड़े आए কি করে জানবো জানি না। আমরা যখন মেমো পেয়েছি তখন থানায় বলে দিতে পারে মেমোটা কখন দিয়েছে। আচ্ছা, মানে আপনারা কখন খবর পেলেন? হ্যাঁ, আপনারা কখন খবর পেলেন? মেমো যখন দিয়েছে তখন খবর পেয়েছি। মানে কতক্ষণ? তাও ওই থানায় যেতে হবে আপনাকে, থানায় মেমোটা আছে, সে মেমোটা কখন রিসিভ করেছে ওটা চলে আসবে। মানে আপনি কতক্ষণ আগে এসেছেন বলতে পারছেন না? আমি কতক্ষণ আগে, আমি 10 মিনিট আগে এসেছি। সেটাই বলছি। তো এটা কী মনে হচ্ছে, কতদিন ধরে পড়ে আছে? কতক্ষণ দিয়ে আছে? আর কাল রাখতে হবে। কাল রাতে হলে এত পোকা ধরে গেছে? लगातार 2 दिनों से हो रही घनघोर बारिश के कारण स्टेशन से संलग्न इलाके में स्थित रेल पार को जोड़ने वाली पुल जलमग्न हो गई, जिस कारण राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल गुरुवार को जल जमाव में थोड़ी कमी देखने को मिली। वहीं रेल पार के कई इलाकों में भी जल जमाव होने लगा। नगर निगम के प्रयास से जल जमाव में कमी तो देखने को मिल रही है, किंतु लोगों को बारिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। Thank you.
बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जींस ड्रेस का एक ही ठिकाना है, इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल, जहां मर्दों के लिए शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट पैंट, जींस, ट्राउजर और शादी ब्याह के लिए ब्लेजर एंड सूट्स मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की है, आज ही आए इंडियन टेक्सटाइल, MG रोड, बस्ती बाजार, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए SK इंफोकॉम में। SK इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना, आज ही आना SK इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। SK इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। देखने को मिला, लगभग 15 फीट गड्ढा होने के कारण पास के एक घर में दरार हो गई। काली पहाड़ में हो रहे कोयला उत्खनन के कारण यह घटना घटने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की खबर पाकर मौके पर ECM अधिकारी पहुंचे तो किंतु आश्वासन ही देकर वापस लौट गए। फिलहाल पीड़ित परिवार भय के साए में है। निकालता है जो होल दिखाई पड़ रहा है वो तो कितना बड़ा क्या मापना मुश्किल है। वो बोले हैं बालू भरने से ठीक हो जाएगा। अब ये सब आएंगे बताएंगे क्या करना है, जैसा बताएंगे वैसा काम किया जाएगा। इस तरह का ऊपर वाले लेंगे ना, हम जाके बताते हैं क्या रिपोर्ट देना। ये क्या कारण हो सकता है कोयले की वजह से? नहीं कर सकता भैया, कैसे ना पूछ रहे अंदर क्या दे रहा है, कैसे चला हुआ है। मेरे घर में तो देख रहे थे पूरा क्रैक कर गया, आप गया पूरा एक हफ्ता से पहले से हल्का दसा था, उसको बोले थे हम एजेंट को तो बोला ठीक है मार देखा अभी चला गया, कुछ बोला नहीं। कुछ ये किस लिए धसा है, क्या कारण हो सकता है? ECL का कारण इसे धस रहा है, पहले से आपका तो लोग खोल कर रखा है, OCP चला रहा, पानी टाल ले रहा पूरा, उसके कारण से ज्यादा करके हो रहा प्रॉब्लम। मतलब अंदर देखे तो क्या नजर आ रहा है आपको? गड्ढा अंदर तो पूरा सुन हो गया है, सुन ही है, सुन टाइप का तो है ही पूरा, देख रहे थे कम से कम 15-20 फीट नीचे चला गया है। खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन टेक्सटाइल, SK इंफोकॉम। सिर्फांचल की भिन्न भिन्न खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना ना भूलिए खबर आसनसोल। कल ठीक इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।